अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? भाई इस वक्त मैं कुमराट वैली में हूँ और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत वैली, इतनी खूबसूरत वादी, मेरे पीछे दरिया बह रहा है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, और हम लोग बादलों के ऊपर हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह है माशाल्लाह से। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप लोग लाजमी आएँ। तो आज हम इस वादी में कुछ अलग करने जा रहे हैं। अलग क्या भाई, आज हम खुद पकाने जा रहे हैं। खुद हम लोग चूल्हा लेकर आए हैं और आज हम पकाएंगे चिकन कढ़ाई। तो हमारे मुस्तफ़ा हनीफ भाई हमारे साथ हैं, उनका ये आइडिया है कि इस वादी में, इस जंगल के दरमियान चिकन कढ़ाई बनाई जाए। तो आज हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं। पता नहीं कैसी बने, हमें नहीं पता, लेकिन ये कि अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, एक एडवेंचर होगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोग अपने कुकिंग की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम कढ़ाई बना रहे हैं। तो चलिए भाई, हमारा चूल्हा है और मुस्तफ़ा हनीफ भाई जो हैं ये हमारे अलग अलग चीज़ें, यूनिक यूनिक चीज़ें लाते हैं मार्केट में। मतलब मुस्तफ़ा भाई क्या कहते हैं कढ़ाई के बारे में, सही बनेगी? आज आपका भाई मास्टर शेफ है, जैसी भी बनेगी खानी तो पड़ेगी, तो ऑप्शन तो है नहीं। ये वैसे आइडिया आया कहाँ से दिमाग में? यार बस मेरा काफ़ी टाइम से था, मैंने बोला चलें आपको पकड़ के लेके जाते हैं और इसको पॉसिबल करते हैं। अरे वाह, तो भाई ये चूल्हे का क्या किया जा रहा है? ये हम इसको प्रेशर दे रहे हैं ताकि मिट्टी का तेल निकलना स्टार्ट हो जाए। और निकलना स्टार्ट हो गया। ये कोई एंटीक चीज़ लग रही है, मतलब ये चूल्हा मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस तरह। कैमरा भी देख रहा है भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अकेले अकेले खा रहे हो कढ़ाई हैं भाई? चूल्हा जल के नहीं दे रहा, चूल्हा कह रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, जब मैं जलना चाहूँ जलूँगा। जल गया, हाँ जल गया, जल गया, जल गया भाई। कितना प्यारा मंजर है, यहाँ पे दरिया बह रहा है, हवाएं चल रही हैं, पहाड़ है, आप लोग देख सकते हैं सब कुछ। और यहाँ पे हमारी कढ़ाई बनने के लिए बनना स्टार्ट हो गई है, चूल्हा जल चुका है, बस भूख भी टाइट वाली लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मुस्तफ़ा भाई सेल्फी ले रहे हैं, घर से डिमांड आई ऐसा लग रहा है सेल्फी की। भाई हमारे सज्जाद भाई हैं, दरिया से टमाटर धो रहे हैं। आए हाय, आए हाय, फ्रेश फ्रेश पानी, फ्रेश फ्रेश टमाटर, फ्रेश फ्रेश मिर्चें, फ्रेश फ्रेश सज्जाद भाई आप भी तो फ्रेश हो। अदरक, ये क्या है, अदरक है, ज़बरदस्त। लहसुन, सारा सामान मौजूद है, अलग है, यहाँ से बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। ये हम अपने साथ मिट्टी का तेल भी लाए और इसके पीछे एक पूरी कहानी है, ये कहानी मुस्तफ़ा भाई सुनाएंगे आपको। यार मिट्टी का तेल जो है ना, ये एक बोतल मिट्टी का तेल हमें तकरीबन जो है वो आज 1500 रुपये का पड़ा है। लिया तो हमने 200 रुपये का था अटक से, और इसके बाद यहाँ पे आए जब और थल से कुमराट के लिए निकले तो माशाल्लाह कुमराट तो पहुँच गए, लेकिन जब सामान अनलोड कर रहे थे तो देखा कि मिट्टी का तेल वहीं पर भूल गए। इसके बाद फिर सज्जाद भाई को भगाया हमने, सज्जाद भाई गए, 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, 1500 रुपये अलग लगे, खुआरी अलग हुई, और इसके बाद जाके मिट्टी का तेल हमें आया फाइनली, और अब हम बनाने लगे। मैं काटूं? मैं हेल्प करूं? हाँ काट देंगे, काटना तो बहुत अच्छा आता है हमें। भाई हम भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा काम हम भी कर लेते हैं यार। खैर काटना तो मुझे अच्छा आता है, काट तो मैं देता हूँ। आए हाय, फुल एक्सपर्ट की तरह काट रहा हूँ मैं, फुल, आपका भाई एक्सपर्ट है यार। देख रहे हैं आप लोग कितने बारीक बारीक टमाटर कट रहे हैं, चेक कर रहे हैं, शादी के बाद जो है ना ये सब करना पड़ता है, इसलिए बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो धुल रही है, एक बार फिर सज्जाद भाई आपके साथ। भाई चूल्हा जल चुका है, पतीली रखी जा चुकी है, इसका मतलब काम स्टार्ट हो चुका है। चिकन आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गई है, टमाटर कट चुके हैं। मुस्तफ़ा भाई बड़े इनमाक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ काम करने में मसरूफ़ हैं। तवज्जो इसलिए कि टेंशन है कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए यार, पहली बार बना रहा हूँ। नहीं मुस्तफ़ा भाई मैं बना चुका हूँ, टेंशन अच्छा, नहीं ले आप। हाँ बस सही है। अच्छा चिकन निकाल लिए, अब डालेंगे टमाटर, टमाटर डाले जा रहे हैं। आप हमारा कुकिंग चैनल सब्सक्राइब कर दें,
विद शेफ मुस्तफ़ा हनीफ। मजीद रेसिपीज़ के लिए जो है वो सब्सक्राइब करें। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि कढ़ाई बनाने में मेरा किरदार क्या था, मैंने क्या किया है, मैंने क्या काम किया। भाई मेरा किरदार ये था कि मैंने थोड़े से टमाटर काटे, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गए क्योंकि उसमें छिलका साथ था और छिलके के बगैर टमाटर चाहिए थे। मजबूरी में मैंने वो खाए सारे। ये किरदार रहा है। अदरक लहसुन को काटा जा रहा है, अदरक को काटा जा रहा है। इसको पीसेंगे कैसे, इसको जुगाड़ लगा दो। अच्छा कोई जुगाड़ होगी, चले देखते हैं क्या जुगाड़ है। अब देखते हैं पीसते कैसे हैं, ये बोल रहे हैं एक जुगाड़ लगाऊंगा मैं, देखते हैं क्या जुगाड़ है। अब मसला ये टमाटर का पानी निकल चुका है और अदरक लहसुन अभी तक कटे नहीं है। मुस्तफा भाई जल्दी में लग रहे हैं भाई, फौरन ठगाटक एमरजेंसी मिशन। दो कैमरों से बन रही है ये। लहसुन काटे जा रहे हैं, अदरक काटे जा रहे हैं, दबा के फुल टाइम तेजी से काम किया जा रहा है। और सजाद भाई ने अच्छा शॉट खेला, चौका नहीं हुआ। मुस्तफा भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छक्का लगा दें, देखते हैं छक्का लगता नहीं लगता। मुस्तफा भाई आउट हो गए, इन्होंने लहसुन सारे के सारे सजाद भाई को दे दिए। गुस्से में ओहो भाई, फुल गुस्सा यार। पीछे मंजर भी तो दिखाऊं, सिर्फ मैं खाने दिखाया जा रहा हूँ, आप लोगों को मंजर नहीं दिखा रहा। फुल बारिश का मौसम होगा, फुल बारिश का मौसम। अल्लाह करे हमारे खाने के बाद बारिश हो जाए। खाने से पहले होगी ना फिर मसला हो जाएगा। सजा भाई बस काफ़ी है मेरे ख्याल, पत्थर उठा लें कोई। ये है जुगाड़, पत्थर से जुगाड़। ये जुगाड़ है, पत्थर से पीसा जा रहा है। ये वाले जुगाड़ हम आपको हमारे पास पीसने के लिए कोई चीज़ नहीं थी तो हमने पत्थर यूज़ कर लिया। वाह वाह वाह, कुदरत का सहारा लिया माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई। पाकिस्तानी कौम जो है ना जुगाड़ू कौम है, सही कहते हैं। और ये अदरक लहसुन को डाल दिया गया है, चिकन वापस डाल लें। ये है कढ़ाई मसाला, और यही असल जान है, यही असल शान है, क्योंकि ये शान का मसाला है इसलिए इसकी शान है। मुझे लगता है कढ़ाई में जान है। खाना पकाने के साथ शेर व शायरी भी चल रही है भाई, वाह वाह वाह। अभी तक इसमें हमने चिकन डाला है, टमाटर डाला है, अदरक लहसुन डाला है और कढ़ाई मसाला। लग रहा है कि वीआईपी काम होने वाला है आज। आए हाय आए हाय, खुशबू आप लोगों को यार खुशबू सुंगा नहीं सकते, वरना आप लोगों ना वीडियो में व्लॉग में डाल देते खुशबू। लेकिन ये कि आप लोग हमारी बात पर भरोसा रखें, बहुत बाप खुशबू आ रही है। और सबसे बड़ी बात, सुबह से भूखे हैं यार। भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, अब पता नहीं सही लग रहा है या गलत लग रहा है, लेकिन एक दिल की बात है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पता नहीं आप लोग क्या सोचे मेरे बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कढ़ाई बहुत अच्छी बन रही है, बहुत ज़बरदस्त बन रही है। मुस्तफा भाई तीन चार काम एक साथ कर रहे हैं, दो व्लॉग बन रहे हैं एक साथ यार। हाँ, एक तो कढ़ाई बन रही है, फिर दो व्लॉग बन रहे हैं, और साथ मोबाइल से अलग शॉट लिया जा रहा है, कैमरे से अलग लिया जा रहा है, टमाटर अलग काटे जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिर्चें काटी जा रही हैं। अच्छा काटने के सारे काम आप सज्जाद भाई को क्यों दे रहे हैं यार? तो हेल्पिंग हैंड है ना सज्जाद भाई, हाथ बटा रहे हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। काटते अच्छा है ये बात है। तो भाई कितनी बाकी है कढ़ाई? बस भाई तैयार होने वाली है यार, तैयार होने वाली है, मुश्किल से 10 मिनट। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आप लोग भी इंतजार करें। वाह भाई, रोटी का क्या सीन है? रोटी हमने सामने होटल है उनको बोल दिया, उन्होंने बोला 15 मिनट पहले बोल दीजिएगा तो हम रोटी बना के दे देंगे। कढ़ाई अपने आखिरी मराहल में चल रही है, देखते हैं कैसी बनती है। इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। भाई बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, तकरीबन आखिरी मराहल में, बस जल्दी से आ जाए मुंह पे चली जाए बस। कैसी है? मैंने घर में हमेशा देखा है अम्मी को और वाइफ को ऐसे चखते हैं ना, ऐसे करके चखते हैं। आज मैंने चखा, वाकई यार अच्छी बनी है। तो भाई इंतज़ार नहीं हो रहा, बस रोटी का वेट है। कढ़ाई 97.9% कंप्लीट है अभी मैंने चेक की है बस। और अच्छा। आपने यार मुझे ऐसा लगता है कि अब तो घर पे मेरा किचन बंद, अब अच्छा। मैं ही बनाऊंगा कढ़ाई घर। अरे वाह 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 वाह, अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया। आपकी बेगम बड़ी खुश होंगी। अरे फादर टर्मिनेट कर दिया आज से बेगम को। अच्छा अब से मैं हूँ शेफ घर का। बेहतरीन हो गया। मुस्तफा भाई के मुताबिक 97.9
97.9, अब तो 98 हो गई। 98 हो गया, 98% जो है ना कढ़ाई बन चुकी है। भूल जाएंगे आप शिनवारी विनवारी सबको भूल जाएंगे आज के बाद, खत्म। आए हाय, कुछ दिनों बाद ना हाईवे पे एक रेस्टोरेंट होगा। बस अब हो चुका है 98.9। हाँ 98.9 हो गया। अच्छा, ये कितने सेकंड बाद एक वो बढ़ता है 1%? ये डिपेंड कर रहा है इसकी शक्ल जिस तरह चेंज हो रही है, मैं उस तरह बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत पुराना शेफ हूँ भाई, मैं पहली बार बना रहा हूँ खाना, बहुत पुराना शेफ हूँ, अंदाजा है मुझे। रोटी आएगी और हम कढ़ाई जो है ना इसको फोड़ देंगे, मतलब हमला कर देंगे इस पे। गार्निशिंग हो रही है कढ़ाई में, ये बन गया यार, बस मैं शेफ बन गया। बोल भाई, गार्निशिंग हरी मिर्चें। हाँ हरी मिर्चें, हरी मिर्चें। शक्ल से तो मतलब ऐसी लग रही है धमाका, आला। सात को बैग बोलते हैं ना, आला। हाँ। वही लग रही है यार, इतना तो कढ़ाई नहीं रुलाया जितना रोटी रुला रही है। रोटी आने में तो टाइम, बल्कि आ गया यार। ये आ रही है हमारी रोटी, जिसने हमें इतना इंतज़ार करवाया, इतना रुलाया, कढ़ाई के करीब नहीं जाने दिया। आए हाय, ओ सात भाई, कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, रोटी भी है, सब कुछ है भाई, ज़बरदस्त। कुमराट वैली में फुल शशके, मतलब चेयर्स तो पहले थी, टेबल भी आ गई। वाह भाई, फुल टाइम शशके। यहाँ हमारा ट्राइपॉड रखा हुआ है, यहाँ चेयर रखी हुई है, यहाँ टेबल है, यहाँ चेयर्स हैं, फुल भाई अपने बाप की जगह समझिए। भाई हमारे खाने के डेस्टिनेशन चेक करें, ये लंबे लंबे दरख, ये दरिया, और ये हमारी टेबल। आए हाय, मतलब यार बहुत आला हो गया। आया है, सुबह से भूखे हैं भाई, थल से कुछ भी खा के नहीं आए थे यार, आम खाएं और बस ये कढ़ाई खाएं। तो भाई फाइनली कढ़ाई 100% हो गई, 100% भाई, 100% हो गई। एक प्लेटों में निकाल भी दी, और अब हम इसका करने जा रहे हैं रिव्यू, देखते हैं मुस्तफा भाई ने कढ़ाई कैसी बनाई है। अच्छी बनाई है, सो है। पहलाने वाला लेते हैं, ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताएं इसका भी यार, ये तो बहुत आला हो गया, मतलब बहुत ही उम्दा, ज़बरदस्त, बहुत आला बनाई है। मैं नहीं सोच रहा था इतनी अच्छी बनेगी, कसम से। मैंने नहीं पता था कि इतनी अच्छी बनेगी। मैं आ गए आप मुस्तफा सही बात है, मेरे जहन में था फर्स्ट टाइम बना रहे तो नॉर्मल बंद हो जाएगा, लेकिन ये बहुत आला बना दी, ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात, इस व्यू में बैठ के खाने का ना अलग ही मज़ा आ रहा है। अब मैं जाके अपने घर वालों को बना के दिखाऊंगा करें, अब वो लोग जब खाएंगे ना उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, यार क्या बना दिया मुझसे बने। तो भाई फाइनली खाना खा लिया, मुस्तफा भाई ने जो कढ़ाई बनाई ना बहुत मज़ेदार, बहुत आला। थैंक यू मुस्तफा भाई, बहुत शुक्रिया। इतनी मज़े की कढ़ाई इस दरिया के किनारे पे खिलाई। आप क्या कहते हैं सजाद भाई, कैसे लगे? ऐसी कढ़ाई तो मैंने कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई। मुस्तफा भाई को पता है मैं किधर किधर घूमता रहता हूँ। अच्छा, कभी नहीं खाई। क्या बात है, मतलब एक्सपर्ट पास हो गया। अब मैं मतलब पास है, टॉप 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 कर लिया है। तो अब नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह मुस्तफा भाई खिलाएंगे हमें कुछ ना कुछ। अगली बार क्या खिला रहे हैं यार? अगली मरतबा मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा बिरयानी खिलाऊंगा। मुस्तफा भाई ने तो वादा कर लिया कि अगली दफ़ा वो बिरयानी खिलाएंगे, लेकिन देखते हैं कि बिरयानी इस लेवल की होती है या नहीं होती। खैर, जब बिरयानी खाएंगे उसका भी प्रॉपर व्लॉग आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और आप लोग इस कुमराट की वादी में लाजमी सफ़र करें, बहुत खूबसूरत वादी है, मतलब ज़िंदगी की सारी टेंशनें ख़त्म हो गई।